हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में जिनका नाम है विजय। तो उनके बारे में कुछ एक अंदरूनी सी बातें जो आपको नहीं पता है, तो वो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए। तो हम आपको बता दें कि विजय जो कि तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार के रूप में जाने जाते हैं, उनको लाखों चाहने वाले हैं और उनके सफलता के पीछे जो संघर्ष छुपा हुआ है शायद कम ही लोग ऐसे हैं जो उनके संघर्ष के बारे में जानते हैं। एक ऐसा समय था जब विजय के अकाउंट में लो बैलेंस होने की वजह से उनके अकाउंट को बंद कर दिया था और 1000 रुपये का मंथली बैलेंस भी वो सेव नहीं कर पाते थे। उनकी स्ट्रगलिंग लाइफ में विजय को यही चिंता लगी रहती थी कि अपना रूम रेंट कैसे दे, और आज उनकी नेटवर्थ 22 करोड़ रुपये हैं। विजय के किंग ऑफ द हिल इंटरटेनमेंट नाम की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी भी है और उनके अलावा विजय की रावड़ी नाम की क्लोथिंग लाइन कंपनी भी है। अपने फैन को विजय प्यार से रावड़ी कहकर बुलाते हैं। विजय का जन्म 19 मई 1989 में तेलंगाना में हुआ था, जो कि विजय का एक छोटा भाई भी है जिनका नाम आनंद है, और उन्होंने हाल ही में 2019 में आई फिल्म दोरा साने में डेब्यू किया। ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते हैं और माधवी देवर कोंडा की जो कि विजय की माँ हैं, जो कि हैदराबाद में स्पीक इजी की मालिक हैं, और उनके पिता गोवर्धन राव एक एड फिल्म डायरेक्टर हैं। और अपनी स्कूली शिक्षा ने विजय ने अपने घर से दूर रहकर तिरुपति के श्री सत्य साई बोर्डिंग स्कूल से प्राप्त की थी। वहाँ के माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण है, और उस समय में जहाँ टेलीविज़न, मोबाइल और फ़ोन की सुविधा नहीं थी, तो तब विजय बुक्स, न्यूज़पेपर और गेम खेलकर अपना समय बिताते थे। इंटरमीडिएट विजय ने लिटिल फ्लावर जूनियर कॉलेज हैदराबाद में किया और बीकॉम की डिग्री बंदरुका कॉलेज ऑफ कॉमर्स हैदराबाद से प्राप्त की है। चलिए हम आपको बता दें कि विजय का एक्टर बनने का सफ़र कैसे शुरू हुआ। जब विजय कॉलेज में थे तो फेज उनका बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज हम उनको मान सकते हैं। वह अपने कैरियर को लेकर बहुत ही कंफ्यूज रहते थे। एक दिन विजय घर पर बैठे हुए थे तो तब उनके पिता ने गुस्से में आकर कह दिया कि तुम करते क्यों नहीं हो, क्यों मेरे पैसे बर्बाद कर रहे हो। तो विजय को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने कह दिया कि इतनी ही पैसे है आपके पास तो मुझे न्यूयॉर्क के एक्टिंग स्कूल में भेज दो, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। विजय को पता था कि वह ऑफर नहीं कर पाएंगे, और विजय के पिता ने यह बात सुनकर थिएटर ग्रुप का पता लगाया और विजय को वहाँ जाकर एक्टिंग सीखने को कहा। फिर धीरे धीरे एक्टिंग करते करते उन्हें कुछ छोटे मोटे रोल मिलने शुरू हो गए। विजय ने अपने फिल्म कैरियर की शुरुआत 2011 में आई रवि बाबू की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में उन्होंने हिस्सा लिया था। हालांकि इस फिल्म ने उन्हें कुछ खास सफलता तो प्राप्त नहीं हुई, लेकिन इस फिल्म के आने के 4 साल बाद उन्हें कोई फिल्म भी नहीं मिल पाई थी। विजय ने तो शुरुआत दूसरे कलर ऑप्शन के बारे में सोचना भी शुरू कर दिया था, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर। तो हम आपको बता दें कि उनका जीवन है वो काफ़ी ही संघर्षपूर्ण बीता है। इसी प्रकार की बॉलीवुड से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।